नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में घोषित किए गए महिला कॉलेज कटनी के बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम में 90% छात्राओं के परिणाम फेल आने, आवागमन हेतु सिटी बस प्रारंभ न करने व गर्ल्स कॉलेज पहुंच मार्ग जल्द बनवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अजय खटीक ने बताया कि शहर से दूर गर्ल्स कॉलेज खोल दिया गया है, हमारी बहनों के आवागमन का कोई ध्यान नहीं रखा गया, न ही पहुंच मार्ग गया है। हाल ही में घोषित हुए बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणामों में 90% छात्राएं फेल हो गई हैं। एनएसयूआई की मांग है कि छात्राओं की परीक्षा शुल्क वापस किया जाए व कॉपियों का पुनः मूल्यांकन किया जाए। एनएसयूआई द्वारा छात्र नेताओं एवं कॉलेज की छात्राओं द्वारा कॉलेज गेट पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो वही कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम प्रदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे व उन्होंने कॉलेज रोड 3 माह के अंदर बनवाने, सिटी बस 1 हफ्ते में प्रारंभ करने व 1 हफ्ते में परीक्षा परिणामों को पुनः मूल्यांकन कराने की बात की। तब जाकर 1 घंटे अनवरत चला प्रदर्शन रुका। जगत न्यूज 24 से देखे राजेश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।